नमस्ते विद्यार्थियों, मैं ताराचंद सैनी। विद्यार्थियों, पढ़े सिंधु घाटी सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता अपने मैंने पढ़ा अभी तक पढ़ा है कि कैसे सिंधु घाटी कहाँ पर मिली, भारत के पश्चिमोत्तर भारत में मिली, कैसे इसकी जानकारी हुई। तो हमने जैसे जान मार्शल है महोदय उनकी खुदाई के माध्यम से मिली, बर्टन बंधु है उनसे मिली। उस बात में हमने इस सभ्यता के बारे में पढ़ा कि कैसे सभ्यता थी, कैसे महानगर थे, कैसे सभ्यताओं में उनकी निकासियाँ जल निकासी नालियाँ कैसे थी, इनमें निकास नाले कैसे थे, इनके मकान कैसे थे, ये सारी चीज़ें पढ़ी। आज पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के में धार्मिक, अर्थात ये लोग सिंधु घाटी सभ्यता के क्या धर्म के बारे में जानते थे या नहीं, धर्म के बारे में इनकी रुचि है या नहीं। तो विद्यार्थियों, पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं और विशेषता है धार्मिक, अर्थात धर्म। क्या सिंधु घाटी सभ्यता में धर्म था? तो उन चीज़ों को हम विद्यार्थियों को पढ़ते हैं कि ये लोग धार्मिक रूप से परिचित थे या धार्मिक क्रियाकलाप करते थे या नहीं करते थे। तो विद्यार्थियों, हम धार्मिक रूप में पढ़ रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो भी जानकारी मिल रही है हमें पुरातात्विक साधनों से मिल रही है, क्योंकि इसकी लिपि हमें पढ़ी नहीं गया अभी तक। दो चार विद्वानों ने पढ़ने की कोशिश की लेकिन पूर्णतः उसको नहीं पढ़ पाए हैं और अभी भी स्पष्ट तरीके से सिंधु सभ्यता की लिपि नहीं पढ़ पाए। तो जो भी जानकारी मिलते हैं हमें पुरातात्विक साधनों के माध्यम से मिल रहे हैं। तो सबसे पहले है धार्मिक, तो सबसे पहले आता है कि क्या ये लोग धार्मिक क्रियाकलाप से परिचित थे या नहीं थे। तो उसमें करेंगे कि हाँ, इसमें सिंधु सभ्यता के लोग हैं जो धर्म के बारे में जानते थे। क्यों कहेंगे विद्यार्थियों? क्योंकि हमें खुदाई में बहुत अधिक मात्रा में मृण मूर्तियां मिली है, अर्थात मिट्टी की मूर्तियां मिली है, कुछ तांबे काष्ठ की मूर्ति भी मिली है, कुछ मोहनजोदड़ो में है और बड़ावली में एक मंदिर जैसा बड़ा आकार का कुछ ढांचा मिला के शायद ये मंदिर है या और कुछ है। इसके अलावा कुछ ताबीज मिले हैं हमें। तो इनसे क्या पता चलता है कि इस समय लोग हैं जो धार्मिक स्वास्थ्य में पूजा करें। मोहनजोदड़ो में है एक योगी की मूर्ति मिली है। तो इन चीज़ों से पता चलता है कि सिंधु सभ्यता लोग धार्मिक रूप से परिचित थे और उन धार्मिक चीज़ों को कहते हैं। तो इसमें क्या पहला आया इस सिंधु सभ्यता के लोग धार्मिक रूप से परिचित थे। सिंधु सभ्यता के लोग धार्मिक से परिचित थे तो उसमें मिलते हैं हाँ, धार्मिक से परिचित थे क्योंकि इसमें बहुत अधिक मात्रा में मृण मूर्तियां मिली हैं। मृण मूर्तियां मिली है, योगी की मूर्ति। तो इससे क्या पता चलता है कि सिंधु सभ्यता के लोग धार्मिक रूप से परिचित थे। क्यों परिचित थे? तो मृण मूर्तियां मिली है, योगी की मूर्ति मिली है, इससे वो लोग धार्मिक रूप से पूजा उपासना करते थे। इन चीजों का हमें पता चलता है विद्यार्थियों। इसमें है आस्थावान वो आस्तिक थे या नास्तिक थे? आस्तिक थे। क्या वो आस्तिक थे? और आस्तिक में है उन्होंने क्या बहुत ज्यादा चीजें मिली है। आस्तिक में है मूर्तियां मिली हैं, ताबीज मिले हैं और मंदिर जैसी आकृति मिली है। मंदिर जैसी आकृति मिली है विद्यार्थियों। आस्तिक थे, मूर्तियां मिली हैं, ताबीज मिले हैं और मंदिर जैसी आकृति मिली है। इसमें बर्णावली और मोहनजोदड़ो में अर्थात जो जगह पर एक बहुत बड़ा आकार भी है उस सारे की मंदिर है या और कुछ था। इसके अलावा है पशुपति नाथ का मंदिर अर्थात एक योगी की मूर्ति मिली है। मोहनजोदड़ो में एक योगी की मूर्ति मिली है। और इस योगी के है चारों तरफ चार पशु बैठे हैं। गेंडा है उसमें है, जो गेंडा है विद्यार्थियों, गेंडा है, वर्षभ है, चीता है, सिंह है, ऐसे चार पशु हैं। तो ये पशुपति नाथ की मूर्ति है जो योगी के चारों तरफ मिली है। तो इनसे मालूम पड़ता है कि वो लोग आस्तिक थे।
सिंधु सभ्यता को धार्मिक से परिचय थे, लेकिन मूर्तियां मिली हैं, योगी मूर्तियां मिली हैं, आस्तिक थे क्योंकि हाँ आस्तिक थे वो, मूर्तियां मिली हैं, ताबीज मिले हैं, मंदिर जैसे आकृति मिले हैं, बनावली और दोनों में और पशुपतिनाथ है का मिला है। सर जॉन मार्शल ने इसको पशुपतिनाथ कहा है। सर मोहनदोदो में योगी की मूर्ति, सर जॉन मार्शल कौन हुए 1905-4 गए थे, सर जॉन मार्शल ने है, सर जॉन मार्शल ने इसे पशुपतिनाथ कहा, अर्थात जो पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो में योगी मूर्ति मिली है, चार पशुओं की आकृति है और सर जॉन मार्शल ने पशुपतिनाथ ने कहा है। तो इससे पता चलता है कि सिंधु सभ्यता के लोग धार्मिक रूप से इस चीजों को जानने वाले थे या धर्म में वो विश्वास करते थे। विद्यार्थी इसमें है किसकी पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे तो इसमें है वो बहुदेववादी थे। विद्यार्थियों बहुदेववादी वो लोग बहुदेववादी थे, अर्थात बहुत से देवी देवताओं की उपासना करते थे, कोई पशुपतिनाथ को मानता था, कोई बहुत ज्यादा मात्रा में मृण मूर्तियां मिली है अर्थात मिट्टी की मूर्तियां मिली है, नारी की मूर्ति, तो कुछ कहते कि वो नारी को मानते थे अर्थात माता शक्ति को उपासना करते हैं। एक उर्वरा की जगह एक जगह पर दिखाया गया एक चित्र में एक मूर्त है और उसके गर्भ से एक पौधा निकल रहा है, तो सो उर्वरा की देवती देवी बोला है कि उर्वरा की देवी है। इस तरह से अनेक प्रकार के देवी देवताओं को लोग पूजा उपासना करते थे। तो इसमें धार्मिक है सिंधु सभ्यता के लोग धार्मिक परिचय थे बिल्कुल थे, क्योंकि मूर्तियां मिली योगी की मूर्ति मिली, उसके बाद में आस्तिक थे, हाँ आस्तिक है क्योंकि अनेक मृण मूर्तियां मिली है, ताबीज मिले, मंदिर जैसे आकृति मिली है, पशुपतिनाथ का एक आकृति मिली है जिसको पशुपतिनाथ है, एक योगी बैठे हैं जिसके चारों तरफ चार जानवर बैठे हैं सिंह गेंडा भैंसा ये बैठे हैं, उनको सर जॉन मार्शल ने उनको पशुपतिनाथ कहा गया। और किसकी पूजा करते थे, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं जो किसकी पूजा करते थे, तो लोग बहुदेववादी थे। बहुदेववादी यानी वो अनेक प्रकार के देवी देवताओं की उपासना करते हैं, कोई सूर्य की उपासना कर रहा है, कोई जल की उपासना कर रहा है, कोई मूर्ति मात्र शक्ति की उपासना कर रहा है, कोई योगी की उपासना कर रहा है, ये अलग है। इसका हमें मिला है कि कई जगह में सूर्य पूजा के अवशेष मिले, कई जगह पर जल, जैसे कि मोहनजोदड़ो में है एक बहुत विशाल स्नानागार है, तो उस समय तत्कालीन विश्व का सबसे बड़ा आश्चर्य था ये, जैसे आज हमारे 7 आश्चर्य है ना, अब 8 आश्चर्य सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्तियों की, ऐसे 7 आश्चर्य कहाँ पर थे, इसी में थे 7 आश्चर्य थे कि प्रमुख आश्चर्य था विश्व के तत्कालीन समाज में मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार अपने आप में एक तत्कालीन आश्चर्य। विद्यार्थियों इस मोहनजोदड़ो में जल पूजा के संकेत मिले, धार्मिक तौर पे तो वहाँ पर नहाने जाते थे, जैसे अपना कुंभ का मेला है ऐसे जल पूजा के अवशेष मिले, हमें सूर्य पूजा के अवशेष मिले, कुछ ताबीज मिले जैसे हमें धार्मिक क्रियाकलाप, अर्थात हम लोग अंधविश्वास में भी विश्वास रखते थे, बहुत अधिक मात्रा में मृण मूर्तियाँ मिली, मिट्टी की मूर्तियाँ मिली, तो हम मात्र शतात्म मानते हैं। एक जगह है एक औरत है और औरत के गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, उसको हमने उर्वरा की देवता देवी माना है कि ये उर्वरा है, अर्थात प्रकृति अपने बच्चे को बड़ा कर दिया है, तो उर्वरा यानी कि माना है। कुछ और ये योगी की मूर्ति माना जाता है, योगी है जैसे पशुपतिनाथ है, तो उसको कई लोगों ने शिव माना कि शिव था, तो शिव की मान है। आधुनिक अनुसंधान हो रहे हैं और मोहनजोदड़ो के लाल खुदाई करके हैं, तो कुछ दिन पहले एक लिंग मिला था, उससे मिला कि ये शिवलिंग है, अर्थात मोहनजोदड़ो के लोग शिव की पूजा भी करते थे। इन सभी की जानकारी हमें इन चीज़ों के माध्यम से मिल रही है। विद्यार्थियों इनके बाद में ये इसमें है बहुदेववादी, अब आते हैं इसमें उपासना, ये लोग उपासना कैसे करते थे, तो उपासना में ये है कि उपासना में क्या कि लिंग की पूजा अर्थात ये लोग हैं जो लिंग की पूजा करते थे, अर्थात
शिव की हम लिंग शिव को वहाँ देखिए शिव की ये लोग पूजा करते हैं, शिव की उपासना पद्धति ये लोग करते हैं, शिव की उपासना पद्धति करते हैं। हड़प्पा, हड़प्पा की मोहरों पर लिंग दिखाया गया है, लिंग दिखाया, लिंग की उपासना दिखाई गई है, अर्थात लिंग की पूजा हमें मिलती है। उसके बाद में है मूर्तियां, अर्थात एक स्त्री के गर्भ से, एक स्त्री के गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, अर्थात उसको उर्वरा की देवता माना, उर्वरा उर्वरा की देवी माना है, उर्वरा की देव माना की। कैसे ये लोग उपासना पद्धति दिखाते थे। उस बाद में है एक पशुपतिनाथ, पशुपतिनाथ, पशुपतिनाथ एक योगी की मूर्ति मिली है, योगी की मूर्ति कहाँ पर, मोहन जोदड़ो में, मोहन जोदड़ो में एक पशुपतिनाथ है, योगी की मूर्ति मिली है मोहन जोदड़ो में। संजार मार्शल महोदय ने इसे पशुपतिनाथ कहा है, अर्थात एक कैसे बहुदेववादी थे, कोई इनकी पूजा कर रहा है, कोई मूर्ति की पूजा कर रहा है, कोई इनकी पूजा उपासना कर रहे हैं। इनके अलावा है जल पूजा के संकेत मिले हैं, जल पूजा, अर्थात जल पूजा, जल पूजा में कौन सा है, मोहन जोदड़ो का विशाल, मोहन जोदड़ो का विशाल स्नानागार, तत्कालीन विश्व का, तत्कालीन विश्व का एक आश्रय की आश्रय विद्यार्थियों मोहन जोदड़ो का विशाल स्नानागार। तो इस विशाल स्नानागार से जल पूजा के संकेत मिलते हैं। इसके अलावा है जो सूर्य पूजा की, सूर्य उपासना, अर्थात सूर्य पूजा के लिए हमें मिलते हैं कुछ स्वास्थ्य के मिले, कुछ स्वास्थ्य के निशान मिले हैं, सूर्य पूजा के लक्ष्य मिले। इन चीजों से हम मालूम चल जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग है जो बहुदेव उपाधि थे। इनके अलावा है जो पूजा थी किसके आधार पर, जो उपासना थी विद्यार्थियों, अब किसके आधार पर थी, ये तो मान लें कि पूजा कर रहे हैं, मूर्तियों की पूजा कर रहे हैं, पशुपतिनाथ की पूजा कर रहे हैं, जल पूजा कर रहे हैं, लेकिन किस आधार पर करे, कोई मंदिर मिला है क्या उन लोगों को जिनमें वहां पर ये लोग पूजा करें। आज हमारे पूजा का स्थान वहां पर है, मंदिर है, लेकिन क्या वहां पर मंदिर भी मिला है, तो विद्यार्थियों ऐसी कोई जगह नहीं मिली है। उपासना की पद्धति, ये उपासना की पद्धति कैसी थी विद्यार्थियों, तो उसमें उपासना की पद्धति थी वो लोग मोहन जोदड़ो व बनावली, मोहन जोदड़ो बनावली में मंदिर जैसी आकृति मिली है, मंदिर जैसी आकृति, मंदिर जैसी ढांचे, ढांचे की आकृति मिली है, मोहन जोदड़ो बनावली में मंदिर जैसे ढांचे की आकृति मिली है। कहाँ पर मिली विद्यार्थियों, कर्मकांड के आधार पर थी, अर्थात विभिन्न प्रकार के कर्मकांडों के माध्यम से इनको करते हैं, जिसमें है यज्ञ हवन के माध्यम से करते हैं। काली गंगा में बहुत अधिक मात्रा में यज्ञ के यज्ञ कुंड मिले हैं जिनके माध्यम से लोग पूजा उपासना करते थे।
तो आज ये सवाल है कि उपासना पद्धति कि ये तो मान ले कि भाई हम सिंधु घाटी सभ्यता रूप बहुदेव वाले थे, अनेक देवी देवताओं की उपासना करते थे, लेकिन वो पूजा कैसे करते थे? आज हम हमारे जैसे मंत्रों में जाते हैं पूजा उपासना करने के लिए, तो ये लोग कहाँ पर जाते थे? तो विद्यार्थियों अपवाद स्वरूप है, मोहनजोदड़ो और बनावल में है दो जगह एक आकृति मिली है, खंडर मिले हैं, भगवान अवशेष मिले हैं, उसमें क्या है वो मंदिर जैसे आकृति है। तो विद्वान अभी तक निष्कर्ष नहीं होते लेकिन बताते हैं शायद ये मंदिर जैसे आकृति है, ये लोग यहाँ पर कर रहे हैं। इनके अलावा कर्मकांड आधार पर अर्थात कुछ लोग कर्मकांड के आधार पर ये लोग पूजा उपासना करते थे। इन कर्मकांडों के आधार पर है जैसे कि कर्म शवों के साथ अर्थात जो व्यक्ति मर जाता है उनका शव है शव के साथ कब्रगाह में अर्थात कब्रगाह अर्थात जो उनकी कब्र होती थी कब्रगाहों में भौतिक चीजों को रखना जैसे कि कोई मर जाता था विशेष व्यक्ति मर जाता था तो उसकी पसंदीदा सामान है तो उसकी कब्र के साथ में रखा जाता था। इनके अलावा है जो काली बंगा में हवन कुंड बहुत अधिक मात्रा में मिले हैं काली बंगा में हवन कुंड बहुत अधिक मात्रा में मिले हैं। इनके भौतिक चीजों को रखना इनके कर्मकांड का एक हिस्सा था। काली बंगा में बहुत अधिक मात्रा में है जो हवन कुंड मिले हैं हवन यज्ञों के समय अर्थात जब हवन होगा हर यज्ञों के समय पशु बलि का भी संकेत मिलता है। अर्थात कई जगह है जो पशु बलि जो हवन हो रहे हैं उस हवन में पशु बलि भी मिलता अर्थात पशुओं की बलि भी दी जाती है। इससे जिसमें हमें पता चलता है कर्मकांड इन चीजों में पता चलता है। इसके अलावा है ये देखिए उपासना की पद्धति कैसे थी दो आधार पर दो मंदिर हालांकि कह नहीं सकते कि मंदिर है वो कुछ है लेकिन मोहनजोदड़ो बनावल में मंदिर है विद्यार्थियों मंदिर जैसे ही आकृति मिली है ढांचा मिला है तो उसके आधार पर कह रहे हैं ढांचा है। उसके अलावा कर्मकांड आधार थी शव के साथ ही कब्र गांव में बहुत ही चीजें रखना था जैसे कोई व्यक्ति मर गया तो उसको वह चीज मिली थी उसको रखना कुछ युगल समाधियां मिली अर्थात जैसे अगर कोई मर जाता है उसके सामने कुत्ता उसका प्रिय पशु कुत्ता था उसको रखना कुछ और चीजें रखना ये सारी चीजें हमें कब्रगाह में मिली है। इसके अलावा काली बंगा में हवन कुंड बहुत अधिक मात्रा में हवन कुंड मिले हैं और यज्ञों के समय पशु बलि भी दी जाती है विद्यार्थियों। इनके अलावा विद्यार्थियों है मोहनजोदड़ो में एक विशाल कब्रिस्तान मिला है विशाल कब्रिस्तान मिला है जिसके आधार पर कह सकते हैं कि कर्मकांड आधारित इनकी पूजा उपासना पद्धति हुआ करती थी। इनके अलावा अब क्वेश्चन बनता है कि लोग पूजा उपासना क्यों करते हैं आज हम विद्यार्थी क्यों करते हैं पूजा उपासना क्यों करते हैं तो इन पूजा उपासना करने के लिए क्या किया जैसे माँ करती है तो माँ कहती है भाई मेरे बेटे की शादी हो जाए मेरा पोता हो जाए पोता होने वाले में मेरे पोतों की शादी हो जाए तो हम भौतिक सुख के लिए करते थे। सेम ऐसे ही विद्यार्थियों उपासना क्यों अर्थात वो उपासना क्यों करते थे तो भौतिक सुख सुविधाओं के लिए भौतिक सुख सुविधाओं के लिए अर्थात वो लोग हैं अपने भौतिक सुख सुविधाओं के लिए पूजा उपासना करते थे अपने भौतिक जीवन को उन्नत बनाने के लिए उन लोग पूजा उपासना करते थे। भौतिक जीवन एक तो होता विद्यार्थियों आध्यात्मिक जीवन कह सकते हैं कि हम इस शरीर में क्या लेके जाएंगे उस परमात्मा की शरण में जाना है तो उस परमात्मा को जीते हुए उस परमात्मा को प्रार्थना आध्यात्मिक अर्थात अपने मन को शांत चित्त को शांत करना और एक भौतिक मुझे भाई मैंने बताया कि अभी मेरी माँ है माँ कहते हैं मेरे बेटों की शादी हो जाए फिर बेटों की शादी होगी फिर मेरे पोता हो जाए फिर पोता हो गया फिर मैं मेरे बेटों के साथ पोतों की शादी और देख लूँ तो आध्यात्मिक भौतिक अर्थात इस भौतिक संसार में कुछ ना कुछ चाहिए उन भौतिक सुख सुविधाओं के लिए आए लोग भी ये जो
सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी हैं जो भौतिक सुख सुविधाओं के लिए इन चीज़ों की उपासना पद्धति करते थे। इनके अलावा विद्यार्थियों सारे सैनिक भौतिक सुख सुविधाओं के लिए कुछ हैं मोहनदगढ़ में योगी की मूर्ति भी है। विद्यार्थियों जो मोहनदगढ़ में योगी की मूर्ति है जिसको इस योगी मूर्ति में निवृत्ति मूलक पद्धति है, निवृत्ति मूलक अर्थात ये लोग हैं निवृत्ति मूलक अर्थात हमें इस भौतिक संसार में कुछ नहीं चाहिए, ये तो मोहमाया है क्षणिक है, अर्थात ये जो भौतिक सुख सुविधाओं प्राप्ति के लिए हम चाह रहे हैं ये तो क्षणिक है, कुछ समय के लिए रहेगी फिर हमें दुख में जाना है। तो एक योगी की मूर्ति मिली है उसकी निवृत्ति मूलक अर्थात योगी शांत चित्त में आँख बंद करके उस परमात्मा की आराधना कर रहा है। तो निवृत्ति मूलक का मतलब ये होता है जानते हो कि कैसे निवृत्ति अर्थात निवृत्ति मूलक का होता है कि उसको भौतिक सुविधा न जाकर आध्यात्मिक चिंतन अर्थात आध्यात्मिक उन्नति के लिए अर्थात ये भौतिक सुविधाओं के लिए कुछ नहीं। तो हम कह सकते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं वो भौतिक सुविधाओं के लिए नहीं बाकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी पूजा उपासना करते थे। इनके अलावा है ये लोग हैं दाह संस्कार सॉरी एक अंतिम बिंदु आता है तो पुनर्जन्म पुनर्जन्म एक अंतिम बिंदु आता है विद्यार्थियों कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं ये क्या पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं या नहीं रखते विद्यार्थियों। तो इसे पता चलता है कि हाँ सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। तो फिर हम पता चलेगा क्यों रखते हैं क्योंकि अभी सारी चीजें जो खुदाई के माध्यम से पता चल रही है। तो भाई हम कहेंगे कि पुनर्जन्म में भी लोग विश्वास रखते हैं कि जब दाह संस्कार होता था जब दाह संस्कार हो रहा है विद्यार्थियों तो इस दाह संस्कार में जब विद्यार्थी दाह संस्कार होते हैं इस दाह संस्कार में सबसे ज्यादा इस दाह संस्कार से ज्यादा है भौतिक चीजों की प्राप्ति हुई है अर्थात जैसे कब्रिस्तान है इस कब्रिस्तान में सबको लेटा दिया और सबको लेटाने के बाद में इस कब्रिस्तान में सबको लेटाने के बाद में सब लेटाकर उसके पास उसकी बहुत सारी निजी सामग्री रख दी जाती थी। पुनर्जन्म विश्वास के लोग थे। आपने कहा कि जब दाह संस्कार होता था तो दाह संस्कार में या फिर तो कब्रिस्तान में उसको दफनाते थे उनमें भौतिक सामग्री अर्थात उनकी जो सबसे प्रिय है अर्थात कुत्ता है एक जगह जो हमें युगल समाधि मिली अर्थात जोड़े समाधि मिले मालिका में कुत्ता भी लेटा हुआ है अर्थात उसको जो भी है उनका विश्वास था कि एक दिन ये रूह दोबारा खड़ी हो जाएगी तो उसको इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए मिस्र के पिरामिडों में और यहाँ पर भी है जो शिव को लटाकर सब को लटाकर उनके पास में है बहुत ज़्यादा उनकी निजी वस्तुएं जैसे मैं हम एक टीचर हूँ तो मेरी निजी वस्तु क्या होगी मेरी पेन होगी मेरी किताबें होंगी मेरी पुस्तकें होंगी। तो जब मेरा अंतिम संस्कार होगा उनके पास में इन चीज़ों को रख दिया जाएगा और तो ऐसे खुदाई में हमें उनकी निजी चीज़ें प्राप्त हुई हैं इनका मानते हैं इनसे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता लोग पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे विद्यार्थियों अर्थात ये लोग एक हमारी दोबारा आत्मा आएगी शरीर में प्रवेश कर जाएगी और पुनर्जन्म होगा तब उस समय इनको इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी इसलिए पुनर्जन्म की आवश्यकता मानते हैं। तो ये था विद्यार्थियों धार्मिक जीवन अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक जीवन इनमें एक अंतिम हो रहा था विद्यार्थियों दाह संस्कार। तो तीन प्रकार से दाह संस्कार होता था विद्यार्थियों सिंधु घाटी सभ्यता में तीन प्रकार से दाह संस्कार होता था अर्थात संस्कार एक तो होता था पूर्ण दहन संस्कार अर्थात एक तो पूर्ण रूप से उनको जला दिया जाता था एक होता है आंशिक दाह संस्कार। एक होता है आंशिक दाह संस्कार ये है अर्थात इनको कब्र में लेटा दिया और उसको क्या रखा और एक है समाधिकरण संस्कार और एक आता है ध्यान दो समाधिकरण संस्कार इस तरह से तीन प्रकार
प्रकार के संस्कार होते हैं। कोण संस्कार होता था विद्यार्थियों, इस कोण संस्कार में कलश रखा जाता था, कलश समाधान अर्थात जो आदमी मरता था पुनर्दाह संस्कार में उसके शव के पास में कलश रखा जाता था, भौतिक चीजें रखी जाती थी, इनको बोलते हैं पुनर्दाह संस्कार। उसके बाद में है एक कहते हैं आंशिक दाह संस्कार, इनको है उत्तर से दक्षिण की तरफ लिटाया, उत्तर से दक्षिण की तरफ लिटाया जाता था। और एक है समाधिकरण संस्कार, इस समाधिकरण संस्कार में है जो युगल समाधियां मिली है, युगल समाधियां मिलती है। इस तरह से दाह संस्कार की तीन पद्धति, कला संस्कार, पूर्ण संस्कार, आंशिक संस्कार और समाधिकरण संस्कार। और इस विद्यार्थियों हड़प्पा में हमें एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान मिला है, हड़प्पा, हड़प्पा में एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान मिला है, कब्रिस्तान मिला है विद्यार्थियों, अर्थात नगर दुर्ग से दूर एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान मिला है। इस तरह से विद्यार्थियों हमने आज पढ़ा है सिंधु घाटी सभ्यता को जान, हमने सिंधु घाटी सभ्यता को जाना कि कैसे सिंधु घाटी सभ्यता थी, उस सिंधु घाटी सभ्यता का कहाँ कहाँ तक प्रसार था, सिंधु घाटी सभ्यता में कैसे नगर नियोजन व्यवस्था थी, कैसे उनकी जानकारी, कैसे वो चर्चा में आई और उसके बाद में उनका धार्मिक जीवन कैसे था। कल पढ़ेंगे विद्यार्थियों सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सामाजिक संस्कार, कैसे वो लोग सामाजिक जीवन जीते थे।